एनसीडब्ल्यू का जो ऑफिस है वो पूरा सीसीटीवी कैमरों से लैस है। मिसबिहेव किसी ने किया है तो सीसीटीवी फुटेज निकालिए और पूरे देश को बताइए। ये क्या आप अपने पॉलिटिकल बॉस की तरह आप भी फेंकने लग गए, आप भी झूठ बोलने लग गए? पूरा ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा से दिखाइए देश को, किसने बदतमीजी की, किसने मिसबिहेव किया, दिखाइए पूरे देश को। हमारे साथ हैं गुजरात आपके चीफ गोपाल पाटीदार, गोपाल इटालिया। गोपाल जी, आपके खिलाफ एक्शन हुआ, एनसीडब्ल्यू ने कहा कि आपने मिसबिहेव किया, मिसबिहेवियर का आरोप लगाया आप पे। एनसीडब्ल्यू का जो ऑफिस है वो पूरा सीसीटीवी कैमरों से लैस है। मिसबिहेव किसी ने किया है तो सीसीटीवी फुटेज निकालिए और पूरे देश को बताइए। ये क्या आप अपने पॉलिटिकल बॉस की तरह आप भी फेंकने लग गए, आप भी झूठ बोलने लग गए? पूरा ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा से दिखाइए देश को, किसने बदतमीजी की, किसने मिसबिहेव किया, दिखाइए पूरे देश को। ये क्या झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं? रेखा शर्मा कह रही हैं कि आप अपने समर्थकों के साथ गए, अंदर घुसने की कोशिश की, हंगामा हुआ वहां पे, इसलिए पुलिस बुलानी पड़ी। सीसीटीवी बुला दिखा दे पूरे देश को, बोलने से क्या होता है? पूरे दफ्तर पे सीसीटीवी लगाए, दिखाए पूरे देश को। जान का खतरा है, ऐसा भी कहा उन्होंने। अगर उसको इस देश में जान का खतरा है तो ये खुद स्वीकार कर रही है, उसको प्रधानमंत्री जी पे देश की सरकार पे भरोसा नहीं है। हमला क्यों हो रहा, क्या वजह? क्या? क्योंकि मैं पाटीदार हूँ, बीजेपी पाटीदारों से नफरत करती है, क्योंकि पाटीदारों ने इनके खिलाफ आंदोलन किया था 17 में, इनको इनकी औकात दिखा दी थी। अब फिर से कोई पाटीदार खड़ा हुआ है, चैलेंज कर रहा है, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बन के बैठा है कोई पटेल, तो इनसे वो नफरत करते हैं। तो कंस की औलाद, ये जो कंस टाइप की एक्टिविटी कर रहे हैं वो कंस की औलाद है, संविधान को तार तार करने वाले कंस की औलाद है।